लहरपुर तहसील पड़ती है, उसके अंतर्गत ये शूटिंग चल रही है। फिल्म का नाम हमारे है इश्क नचाए बीच बाजार, जो कि हमारी अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म है और ये 7-8 महीने बाद हम अपनी दूसरी होम प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके पहले हमने दो फिल्में दूसरी की प्रोडक्शन। जोर शोर से आप जिस आप लोग कर रहे हैं बताएं कहाँ शूटिंग हो रही है और किस तरह से फिल्म का नाम क्या है। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधु को और इस मीडिया के माध्यम से सभी जनता जनार्दन को भी हार्दिक प्रणाम और स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। और देखिए आज हम अभी तो बारिश भी रुकी है, शूटिंग थोड़ी देर के लिए रुकी थी, उसी बीच लंच ब्रेक भी हुआ। और जनपद सीतापुर, आज हम यूपी के जनपद सीतापुर में और वो भी लहरपुर तहसील पड़ती है, उसके अंतर्गत ये शूटिंग चल रही है। फिल्म का नाम हमारे है इश्क नचाए बीच बाजार, जो कि हमारी अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म है और ये 7-8 महीने बाद हम अपनी दूसरी होम प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके पहले हमने दो फिल्में दूसरी की प्रोडक्शन किया, जिसमें जनता दरबार और बलमुआ नदिया पार के। और पहली फिल्म हमारी मोहे रंग दे प्यार के रंग सजना, और अभी देखिए इश्क नचाए बीच बाजार कर रहा हूँ। हाँ एकदम, क्योंकि बलमुआ जब नदिया पार करके आया तो अब इसके भी नाचेगी बीच बाजार। जी इसमें आप नाच रहे हैं अब, क्योंकि हमको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा ठाकुर को जरूरी था इस फिल्म में, और हमारे अपोजिट प्रतिष्ठा ठाकुर जी हैं। मैडम आप क्यों इनको बाजार में नचा रही हैं, घर में तो नचा सकते पूरी पब्लिक जानेगी ना, इसलिए बाजार में नचा रहे हैं। आपको हुआ है कि इनको आपसे इसको हुआ है? इनको हमसे हुआ है, हमको बाद में होगा, बाद में पता चलेगा। साइलेंट सोच रहे हैं कि वन साइडेड लव। दिल मिलाने से क्या आपका आइडिया है, कैसे आपके दिलदार बनेंगे? बनेंगे धीरे धीरे, हमको लगेगा कि हाँ हम भी प्यार करने लगे हैं इनसे, उसके बाद सामने ही बेइज्जती कर दिया। हाँ पब्लिक प्लेस पे। क्या किरदार भैया निभा रहे हैं इसमें आप? इस फिल्म में मैं हीरोइन का एक तरीके से बॉडीगार्ड बनता हूँ, और बॉडीगार्ड रहते हुए हीरोइन से लव होता है। उसके बाद कहानी में बहुत ही रोमांच, बहुत ही अच्छी मेकिंग होनी हो रही फिल्म की, और बहुत ही अलग कहानी। इश्क नचाए बीच बाजार जैसे नाम है तो बहुत ही अलग कहानी, और इतनी अच्छी मेकिंग हो रही है इस फिल्म की। मैं सचिन यादव जी जो हमारे डायरेक्टर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पहली बार मैं इनके डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। इसके पहले हमने राकेश शुक्ला जी के साथ भी दो फिल्में किया और संदीप जी के साथ, लेकिन इनके साथ काम करने का हमको कुछ सीख मिला इस फिल्म से, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ये फिल्म जो है कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी बने, और मेकिंग तो आप लोग जानते ही हैं करता हूँ, तो और नई जोड़ी है, और जो एक्टिंग परफॉर्मेंस जो कर रहे हैं संग्राम भैया या प्रतिष्ठा जी जो भी हैं, ये लोग सुनते हैं, करने की कोशिश करते हैं कि कुछ जितना मैं चाहता हूँ मैं निकाल लेता हूँ। तो मुझे ये मज़ा आता है कि जो बताओ और उसको हूबहू अगर मिल जाता है तो चीज़ तब सुकून मिलता है। और मेकिंग बहुत बड़े लेवल पे कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सपोर्टिंग कास्टिंग में जो है ब्रिजेश भैया हैं, अनूप भैया हैं, आज खान भाई हैं, और एक बहुत ही ज़बरदस्त आपके विनीत विशाल जी हैं और सतप्रकाश जी हैं सपोर्टिंग, और प्रिया वर्मा हैं, तो काफ़ी सपोर्टिंग आर्टिस्ट जो है और बड़े अच्छे मजे कलाकार हैं। तो कोशिश है कि अच्छी फिल्में बनाऊँ, हमेशा अच्छा करता रहूँ, और स्टोरी भी बहुत अच्छी है, लव स्टोरी है। लव स्टोरी जहाँ होती है वहाँ एक्शन होता है, आप लोग देख सकते हैं बड़े बड़े सेटअप पे जो है सब चीज़ें हो रही हैं, तो मेकिंग कमाल की हो रही है। और उसमें हमारे साथ जो DOP हैं DK शर्मा जी, तो DK शर्मा को तो सब जानते ही हैं कि बहुत अच्छा बंदा है, बहुत मेहनती बंदा है, और जितना बोलो उससे बेहतर करके देने वाला बंदा है। तो कहीं ना कहीं इसमें सभी टीम, जितने भी हमारे क्रू मेंबर हैं, सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही, मतलब ऐसी टीम हमारी हमेशा बनी रहे, और संग्राम भैया के साथ और भी लगातार मैं फिल्में देने की कोशिश करूँगा। इस फिल्म को लेके इसकी जो मेकिंग है काफ़ी अच्छी है, लाइक बॉलीवुड, ये एक बॉलीवुड मूवी के टक्कर पे होगी भोजपुरी मूवी, क्योंकि आप सभी लोग देखते हैं कि भोजपुरी बहुत सी ऐसी मूवीज़ होती हैं कुछ वल्गर होती हैं,
कुछ अच्छी होती हैं, बट जो हमारी मूवी है वो काफ़ी अच्छी बन रही है, लाइक बॉलीवुड की टक्कर पे होगी। और इसकी मेकिंग जो हमारे डायरेक्टर हैं सचिन जी, बहुत अच्छी दे रहे हैं, और जो ये हैं हमारी इस मूवी में बॉडीगार्ड बने तो वही सब काफ़ी अच्छा है। आपका क्या किरदार है इसमें? मेरा एज अ लीड। क्या करती है पूरी फिल्म में आप? सब जो है पूछ ही लेंगे तो स्टोरी का फिर क्या रहेगा, सस्पेंस क्या रहेगा, आप सब पूछ लेंगे तो। अच्छा, फिल्म के सेट पे जब आप आती हैं तो आपको पब्लिक क्या रिएक्शन है, किस हीरोइन का नाम? मैं बताता हूँ मैं पागल हो चुका हूँ। मैं मेकिंग करते करते यहाँ की पब्लिक इतनी परेशान करती है, मतलब 10,000 पब्लिक के बीच में मैं शूटिंग करता हूँ, चिल्ला चिल्ला के गला बैठा हुआ है। यहाँ की पब्लिक इतनी पागल है कि मतलब सेल्फी लेने अगर एक बार गाड़ी से उतर गए तो, जैसे शो में, जैसे शो हम लोग कराते हैं पवन भाई का, खेसारी भाई का, उस लेवल के क्रेज जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। भाई मैं अभी तक इतनी शूटिंग किया हूँ लेकिन, और अभी भी देख सकते हैं आप लोग की बारिश होती है तब भी लोग देखने आते हैं, मतलब इतना ज्यादा क्रेज है देखने का। कैमरे के पीछे देखे खड़े हुए हैं, आप भी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। हमारी पहली फिल्म है मोहे रंग दे प्यार के रंग सजना, तो देख ही रहे हैं, बस अब दुर्गा पूजा तक रिलीज हो रही है। दूसरी जनता दरबार भी जस्ट उसके बाद बलमुआ नदिया पार के, फिर इधर इश्क नचाए बीच बाजार, और अभी हाई कोर्ट भी एक साइन किया हूँ मैं, वो भी बननी है निश्चित है। उसके बाद ACP संग्राम, फिर GF तोहरे खातिर, और घूंघटा में चाँद, करीब करीब चार फिल्में फिर मेरी आगे शूट होने वाली है। जिस तरह आप फिल्मों का नाम बता रहे हैं इसे बीट पे बैठता जा रहा है। जी हाई कोर्ट भी जाएंगे। ACP संग्राम, और ACP संग्राम जो उसके बाद तब घोघटा में चांद निकलेगा। और मैं दर्शकों से यही चाहूंगा कि 14 साल बाद मैं लौटा हूँ अगर वनवास काट के इस फिल्म लाइन में, तो आप लोग इतना प्यार और आशीर्वाद दे आपके अपने भाई को, अपने दोस्त को, कि एक मैं एक नया आयाम भोजपुरी इंडस्ट्री में लिख सकूं। जी, वो दिख भी रहा है 14 साल का आपको जो है, जो आपने बैठ बैठ के सर्च किया, रिसर्च किया। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।